सभी साथियों को नमो बुधाए, जय भीम। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता सैनिक दल के, वो एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा अमरोहा के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला अमरोहा पड़ता है, तो वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम है। तो हम जानना चाहेंगे इसके अंदर क्या विशेषता है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या क्या वक्ता हैं, क्या व्यवस्था है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें स्वयं पहुँच रहे हैं, अगर हमारी भी जो एकाध कोने में जगह होगी तो कोशिश करेंगे कि पेट को कुछ मिल जाएगा। तो सर, आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम होने जा रहा है समता संदल का, वो उत्तर प्रादेशिक स्तर का है, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अपने आदरणीय पीपी अशोक जी, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में है ये कार्यक्रम। चूँकि आपको सबको पता है, पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो पूरे देश के अंदर ये समाज है, इसको इकट्ठा रहे और हम सब मिलजुल करके रोटी बेटी तक के रिश्ते बने आपस में, प्यार मोहब्बत कायम हो आपस में। क्योंकि जो बिखरे हुए लोग हैं जातियों में, वो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए वो सब इकट्ठे रहें। इसी लक्ष्य के लिए एकता सम्मेलन का आयोजन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो मुरादाबाद के मंडल में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ बड़े स्तर का होने जा रहा है, जिसमें हमारे करीबन 25 डिस्ट्रिक्ट उसमें भाग ले रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और मेरे साथ में दिल्ली से अपने जो आपको जो माने चुने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदरणीय महमूद प्राचा जी, वो उसमें मुख्य वक्ता के रूप में जा रहे हैं। मैं स्वयं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर के मुख्य अतिथि के रूप में हूँ वहाँ। हमारे साथ में वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी, जो मुख्य सलाहकार हैं, वो भी उसमें जा रहे हैं, और प्रोफेसर हैं रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और हमारी जो समता संदल के तमाम राष्ट्रीय स्तर के संचालक हैं मैडम हैं, संगीता प्रिंसिपल जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं, ये सब के सब लोग उसमें पहुँच रहे हैं। आदरणीय भिक्षु संघ के सानिध्य में ये कार्यक्रम 21 आपके जनवरी से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि समता संदल का कार्यक्रम जहाँ भी बड़े स्तर का होता है उसमें ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि केवल भाषण देना और चले आना उससे कोई समाज का निष्कर्ष निकलता नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं उनको तमाम प्रकार के चहुंमुखी विकास के लिए, समाज में काम करने के लिए, किन किन मुद्दों पर समाज में काम करना है, कौन कौन से ऐसे समाज में आवश्यकताएँ हैं, तमाम चीज़ों को समझाने के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हमारे बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, वो एक दिन पहले वहाँ जाएंगे। हमारे डॉक्टर राहुल जी हैं जो इसमें अपनी टीम के साथ एक दिन पहले पहुँच रहे हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर शशि भूषण जी हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और भी हमारे सम्मानित साथी एडवोकेट जी हैं दाताराम जी, दयाराम जी, ये सब साथी वहाँ पहुँच रहे हैं। और अगले दिन 22 तारीख को हमारे साथ तमाम सम्मानित साथी जाएंगे, जो हम पूरे समाज को और पूरे जितना भी देश में भाईचारा पैदा करना, समता मैत्री स्वतंत्रता पर आधारित जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, बहुजन हित। सर, मेरे एक मिनट, अभी कल्याण मत करो, अभी हमारा कल्याण होना है। केवल हमने पूरे देश की ठेकेदारी नहीं ली, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कर सकते हो किसी को, मुझे नहीं करनी किसी को, मुझे केवल अपने समाज का कल्याण करना है। इसमें रहने की व्यवस्था, जो बाहर से लोग आएंगे, खाने की व्यवस्था, पीने की, वो बिल्कुल उसमें जो बाहर से लोग आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था है, सोने के लिए व्यवस्था है, खाने आदि के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। जी जी, आप 22 में पहुंचेंगे, 21 में? हम 22 में पहुंचेंगे जी। और इसमें अंदर जो लोग बाहर से हैं, और लोग आने जा रहे हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर हैं, अगर वो लोग वहाँ आ जाएं तो क्या उनको भी मंच पे 2-4, 10-5 मिनट बोलने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा बोलने के लिए। कोई ऐसा होता है ना, बहुत सारे संगठनों में जिनका नाम ले दिया, उनको भाई हम माइक नहीं देंगे, ये तो हमारा मंच है, या फलाना। मैं और बता दूं, इस कार्यक्रम में केवल समता सिंधल के ही लोग नहीं है, समता सिंधल से ये मैडम प्रोफेसर जो जा रही है, समता सिंधल में पदेन अधिकारी नहीं है। जी जी, और बहुत लोग ऐसे हैं जो पदेन अधिकारी नहीं है, जो इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। जी जी जी, हमारे साथ में गाजियाबाद से भी वहाँ पहुँचेंगी एडवोकेट शशि बालाजी पहुँचेंगी, और बहुत सारे साथी वहाँ पहुँचेंगे, एक मिशनरी साथी हैं वो भी अलग से पहुँचेंगे, और वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर रही हैं वहाँ। मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे लगभग 3 महीने पहले गया था, अभी गर्मियों में, तो वहाँ बाबा साहब की विचारधारा बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, वो अभी जो आप बता रहे हैं ये वहीं की बात रही है, आप दिल्ली में देखिए, गाजियाबाद में देखिए, घर घर में देखिए ना जा करके। जी जी जी, बच्चे की तो बात छोड़िए, जो महिलाएं हैं बड़ी पढ़ी लिखी उनके घर के अंदर में देखिए, वो बाबा साहब की विचार के नहीं है। तो इसी बात की आवश्यकता है कि हम ऐसे कार्यक्रम निश्चित करें, घर 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 बाबा साहब पहुँचे, घर घर विचारधारा पहुँचे, घर घर बुद्ध पहुँचे, और वो तब पहुँचेगा जब हम घरों में धम्मदेश करें। मैं एक चीज आपसे एक मिनट चाहूंगा स्पेशल, क्योंकि मैं आज जो आपका कीमती समय मिला है वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
हमारे संगठन दो कदम चलते 30 रुपये फ्यूज हो जाते हैं, दो कदम चलेंगे 30 रुपये फ्यूज हो जाते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है समाज के अंदर, भाई कोई आईएएस पीसीएस तो जाकर कैडर लगाएगा नहीं समाज के अंदर। नहीं, इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कमजोरी। जी जी, आर्थिक कमजोरी। उन लोगों की क्या समता सैनिक दल कोई मदद करता हो, या हम बड़े बड़े मंच लगा रहे, देश के अंदर सबसे ज्यादा जयंती, देश के अंदर सबसे ज्यादा कार्यक्रम आज की डेट में हमारे समाज के, जो पैसा व्यर्थ जा रहा है। हम लोग उनकी मेहनत को जो समाज में जा रहे हैं, कोई कम पढ़ा लिखा है या प्रचार कर रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो आदमी की कोई भी आदमी हेल्प नहीं करता। देखिए ऐसा है, आपने एक बात कही, जहाँ तक जयंतियाँ मनाना, सम्मेलन करना, आपको ये पता है दुनिया के अंदर में जितने कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में होते हैं, उतने कार्यक्रम दुनिया में किसी नेतृत्वकर्ता के समर्थन में नहीं होते। जी जी। और कोई सरकार नहीं, समाज करता है इस काम को, और वो लोग करते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास में आज खाने को है शाम को नहीं हो। जी जी। वो लोग बाबा साहब को, चाहे वो झोपड़ी में रहें, चाहे मकान में रहें, कहीं भी रहें, परंतु बाबा साहब को अपने दिल दिमाग में रख करके बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कोशिश करते हैं उनके रास्ते पर चलने के लिए। परंतु देखा यह गया, जो ताकतवर लोग जिन्हें मानते हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जो बाबा साहब के आरक्षण से आईएएस पीसीएस बड़े बड़े उद्योगपति बने, उनके घरों में जाइए ना बच्चों को, वो जय भीम तक आपको नहीं मिलेंगे बोलते हुए, उनको अता पता नहीं होगा वाटी जय भीम। ये तो मैंने सर गांव-गांव जो मैं काम करता हूँ उसमें मैंने ये बाबा साहब का 18 मार्च का जो भाषण है उनका 56 का, वो स्पष्ट है आज भी कि मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया, ये स्पष्ट है। तो यही से देवेंद्र जी, यही कारण है जो अभी आप पूछ रहे थे कि क्या कारण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के संगठन मजबूती के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये पहला कारण है अभी जो आप देख रहे हैं, जब ताकतवर लोग इसको ताकत नहीं देंगे, और बाबा साहब के आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा लेंगे, सबसे ज़्यादा बाबा साहब के आरक्षण का लाभ लेने वाले अरबपति करोड़पति बनने वाले लोग एक रुपया भी कंट्रीब्यूशन ना करें उस आंदोलन में, और गरीब तबका जो बेचारा चप्पल तक उनके पैरों में ना हो ढंग से, वो जय भीम जय भारत चाहे बहन मायावती के साथ रहे, चाहे दूसरे नेताओं के साथ। देखिए ना आप लोग कौन जो भी नेता बन रहा है, चाहे वो माननीय बहन जी हो, चाहे आज का युवा चंद्रशेखर हो, या बामन मेसराम हो, या कोई भी हो, सबका एक ही काम है, समाज से पैसा, समाज से पैसा, समाज से पैसा। उस गरीब आदमी जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, वो बहन जी का झंडा उठाकर चलता था। चंद्रशेखर कितने मुकदमे लड़वाएगा मुझे नहीं पता। Yes. बामन मेसराम जिंदगी में एक विधायक नहीं बना सकता। आप बामन मेसराम से कितने सहमत हैं? इसको मनुवादी, ये क्या है, ये सब क्या, कहां से आया ये? काम काशीराम के टाइम पर नहीं था मनुवाद, कहां से आया? एक मूल निवासी क्या होता है मूल निवासी? हमसे ये कहा जाता था किसी जमाने में 1975 के आसपास कि गौतम साहब बाबा साहब के संगठन तो नष्ट हो गए, बाबा साहब के संगठन तो बाबा साहब के बाद ही नष्ट हो गए। हाँ। आप छोड़िए समता सेंदल की बात, छोड़िए बीएसआई की बात, ये कहा करते थे लोग उस जमाने में, क्योंकि बीपी मौर्य जी होते थे, पासवान जी वगैरह ये होते थे लीडरान, हम इनसे कहा करते थे कि जब आप बाबा साहब के नाम से एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम बाबा साहब के खुद के बनाए हुए संगठन को दोबारा क्यों स्थापित नहीं कर सकते? जी। हमने यहाँ से बात ठानी, और आपको पता होगा 24 राज्यों में स्थापित किया, 26 हल्दीपुर स्थापित किया, विधानसभा में जो दिल्ली विधानसभा है बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई, और जिसने विरोध करा उसका विधानसभा में काला मुंह किया था, आपको सबको पता होगा। तो ये तमाम चीजें जहाँ जहाँ जुल्म अत्याचार होते रहे, और आज तक किसी पर मुकदमा नहीं लगने दिया, किसी भी कर्मचारी पर, किसी अधिकारी पर, किसी भी विद्यार्थी पर कोई मुकदमा लगने नहीं दिया। जब कभी प्रदर्शन हुए तो हम सिनातान के आगे रहे, पर किसी को किसी प्रकार की परेशानी। एक हम अभी आपके ने जो वो बताई, हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, इन्होंने एक मिशन चलाया जय भीम, मुझे टाइम की वजह से उन्होंने टाइम ले रहा था, मैं मिल नहीं पाया हूँ अभी। जय भीम तो पहले से चला रहा, पूरे देश में छाए, पहले MLA हैं जो देश के अंदर, मैं मानता हूँ साहब काशीराम साहब मान्यवर बहन जी के अलावा, जो पहले MLA हैं जो पूरे देश में चर्चित हुए बुद्धिज्म के लिए सब कुछ, और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जिस पद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखो ये मैं इतना कह सकता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम चूंकि समता सैनिक दल से निकले थे, जी समता सैनिक में तपे हुए होने की वजह से, हाँ। आपने देखा अम्बेडकर भवन पर 22 प्रतिज्ञाओं पर, हाँ, 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हुए अड़के चले, हाँ। कि मैं किसी भी कीमत में 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हुए चलूंगा, चाहे कुछ भी करना। हाँ जी, हाँ जी। ये संस्कार समता सैनिक दल ने दिए थे। जी जी। जहाँ तक राजनीतिक स्टैंड है, ये आपकी बात सही है कि त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं थी, बिना त्याग के भी, बिना मंत्री को पद त्याग उसका मंत्री अंदर जेल में बैठकर, जैन कौन है वो, सतेंद्र जैन,
वो बिरयानी खा सकता है, शराब पी सकता है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के अंदर से बहुजन समाज पार्टी जो 14% थी वो 4% पाएगी मात्र एक राजेंद्र पाल गौतम की वजह से, क्योंकि सब लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम का समर्थन किया। और जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने स्टेटमेंट दिया तो कई हजार लोग राजेंद्र पाल गौतम के पीछे थे। जब उसके मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी? देवेंद्र गौतम जी, हम तो इस मान्यता के हैं जी, व्यक्ति एक हो या करोड़ों संख्या में हो जी, हम बाबा साहब के विचार के साथ हैं, बुद्ध के विचार के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी नेता के साथ नहीं है जी। जो बाबा साहब को मानेगा, जो बुद्ध को मानेगा, हम उसका साथ देंगे, और जो नहीं मानेगा हम उसका साथ नहीं। बुद्धिस्ट तो वो हैं ही, बाबा साहब के फॉलोवर भी हैं, पहले ही हमारे MLA हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध से की द्वारा अपनी शपथ ली जो मंत्री बनते, उन्हें मंत्री पद देने की, इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आई। हम तो केवल ये आपको कह सकते हैं, समता सेंधल का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मेरे पर दायित्व है, दो दायित्व मेरे पर है। एक तो संयुक्त रूप से जो दल की एकता हुई जी, उसका मैं कार्य अध्यक्ष हूँ, और जो अंबेडकर भवन से 50 साल पहले से दल चल रहा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ जी। ये दोनों जिम्मेदारी मेरे पर हैं, उसमें दोनों जिम्मेदारियों के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा को ताकतवर होना ही चाहिए, और वो मजबूत बने, पूरे भारत में घर घर मजबूत बने, इसका हमारा प्रयास। RPI भी तो होनी चाहिए, वो भी तो बाबा साहब ने बनाई है। RPI चूंकि राजनीतिक क्षेत्र का ये हिस्सा है जी जी, अगर सामाजिक, बाबा साहब ने ही कहा था जी, बिना सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन मजबूती से नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। अगर हम भारतीय बौद्ध महासभा और समता सेंटर के माध्यम से करोड़ों की संख्या में समाज को खड़ा कर देते हैं तो राजनीति बदलाव लाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत साधुवाद, एक मैसेज और दे दीजिएगा 22 जनवरी का। 22 जनवरी में आप सब आमंत्रित हैं अपने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के अंदर में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में समता सेंटर का एकता सम्मेलन है, और उस एकता सम्मेलन में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े अल्पसंख्यक जिसमें सरदार हैं, मुस्लिम हैं और अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आइए हम सब एक साथ इकट्ठा होकर के इस देश के अंदर में अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी राजनीति के लिए, धर्म के लिए, ये तमाम जो समाज में एक भाईचारा पैदा हो, जुल्म अत्याचार का मुकाबला कर सके मिलकर के, इसके लिए हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप सब आमंत्रित हैं और आप विशेष रूप से आपका बहुत 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 साधुवाद है। साथियों, मैं मिलूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, क्योंकि टाइम की कमी है, और मेरा ये निवेदन है कि समता सैनिक दल के सच्चे सिपाही जी का संदेश देश के कोने कोने में घर घर पहुंचना चाहिए, और सम्मानित अधिकार को सब्सक्राइब कर दे। ये आप ही का चैनल है, परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध को, केवल और किसी का। नमो बुद्धाय, जय भीम।